तो क्या हाल है, फिर से वापसी। इंतजार कर रहे थे ना कि कब आएगी वीडियो, कब मैं इन चूतड़ से पैदा होने वाले लोगों की बुंड मारूंगा। तो आ गई ये वीडियो। हेडफोन्स डालो गांठ कान में, लेट्स स्टार्ट। आए हाय राजा जी, चुलबुली मच रही है, वायग्रा शायग्रा खाई हुई है, ठरक संभाली नहीं जा रही है ना, चिंचियों में औरतों को पपियां दी जा रही है। लाहौर को तो तुम लोगों ने सही हीरा मंडी बनाया। खैर मैं यहाँ पे किसी के साइड लेने नहीं आया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये चिंची वाला वाकिया हमारे कराची में हुआ होता तो सच बता रहा हूँ दादा, तुम्हारी बुंड फाड़ देते ये कराची वाले, मैं सही बता रहा हूँ। और मुझे मसला नहीं है कि ये क्या हुआ, किसने किया, मसला ये है बहन चोद, मतलब लोग इंजॉय कर रहे हैं, किसी की बहन को किसी की बेटी को वो पप्पी लेके चले गए और बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं। पाजी क्या पापी ली है, तुमने हमारे भाई वाला दौर नहीं देखा। 90 जिना ग्राउंड जरा आओ तो, तुम लड़की तुम देखना तो बहुत दूर की बात, तुम उसकी हवा भी तुम्हारी तरफ आ जाएगी ना तो तुम बहन बहन बोलना शुरू कर दोगे। के यार हुआ ये कि एक दफा मैं साइमा से गुजर रहा था, मेरी कजन थी अपनी, सही है ना, मेरी बहन ही हुई, तो पीछे से एक टट्टा आया, तो साइमा बता दूं साइमा अपार्टमेंट, तो पीछे से एक टट्टा आया, वो जो बदमाश नहीं होते जो लकड़ी जैसे होते हैं मुंह में गुटका होता है और यूं बहन चोदे, वो वाले बदमाश, वो उससे एक बदमाश आगे कहने लगा, कौन हो तुम दोनों? मैं बोला जा भोसड़ी के काम कर बहन है मेरी। खैर जाहिर सी बात है एक बंदी मेरी बहन है तो मैं निकल गया आगे। फिर उसके बाद अगला वाकया ये होता है कि आपका भाई हो जाता है थोड़ा फेमस। कुछ दिन पहले की बात है, तो मैं लोकेशन पे था, मैं जगह देख रहा था, तो एक फैन मिल गई। अब फैन मिली, हमने बात बात कर ली उनसे, निकल लगी, आई एम योर बिग फैन, और बातें बातें हो गई, थोड़ा सा आगे चल गई, मैं भी आगे चला। फिर उसके बाद 16 टट्टे आते हैं, मतलब 16 लड़के आते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि कौन है तू? मैंने बोला भाई मतलब आया हूँ बाहर से, लोकेशन देखने आया हुआ था। तो कहने लगे कि ये लड़की कौन है? मैंने बोल दिया मेरी कजन है, मतलब पहले कजन का बोला था, अब कजन का बोल दूंगा शायद छोड़ दे। खैर भाई उन्होंने जो मेरा गिरबान शिरबान पकड़ा, मतलब गिरबान तो नहीं पकड़ा, किसी की बुंड में इतनी ताकत नहीं थी, उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे लेके चले गए। अब मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हो अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे हैं कराची वाले, और तुम भोसड़ी वाले पता नहीं क्या करने में लगे हुए। और वो एक तो वो यासिर शामी, तू करना क्या चाहता है मुझे ये बता दे, तू करना क्या चाहता है? अबे चूतिए मत, एक बुड्ढा बुड्ढी की शादी हुई इंटरव्यू, एक लड़का लड़की की शादी इंटरव्यू, एक आदमी अपनी बेगम के पी के धो, एक आदमी अपनी बेगम के धोके पीता, मतलब मेरा मतलब एक इंटरव्यू कर ले। टॉप 10 एंकर्स में तेरा नाम आता है, लेकिन ये चूतिया पे तो बंद करो अपने, TRP मिल जाएगी, काम अच्छा होगा, टैलेंट होगा, व्यूज आ जाएंगे, यकीन कर, मुझसे पूछ, आ जाते हैं भाई, जरूरी नहीं है चूतिया पे कर ही व्यूज लाए जाएं। देखो आज बात करते हैं मीनारे पाकिस्तान वाली लड़की के बारे में। के साथ मीनारे पाकिस्तान पे मीट एंड ग्रीट हुआ, लड़के आए, बदतमीजी की, हो गई बदतमीजी। खैर उसके बाद वीडियो जो है दबी रही, फिर उसके बाद अपनी वीडियोस डाली, सब नॉर्मल है, मतलब उनको बुरा नहीं लगा, सब नॉर्मल। फिर उसके बाद जब वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, सब ने आवाज उठाना शुरू की, तो ये आंटी जब लड़की अपने सिटी में सेफ नहीं है तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं है। और बात ये है कि यार ये सब सिर्फ मुझे नहीं पता कि ये क्या सीन है, कि बहन ने ये ब्लू टिक के लिए किया है या इनके दोस्त ने ब्लू टिक के लिए किया है। खैर उसके दोस्त को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जानी तुझे ब्लू टिक तो पता नहीं, लेकिन तुझे ब्लैक टिक ज़रूर दी। तो चलिए बात करते हैं अली गुल पीर के बारे में। अली गुल भाई आपका बहुत बड़ा फैन था जब आपका वो गाना आया था ना, वडेरे का बेटा वडेरे का बेटा, फिर आपने उसके बाद जो KOMEDY कॉमेडी करना शुरू किया, हाँ मेरे मरोड़े आ जाती हैं पेट में, मैं बल खा के गिर जाता हूँ, इतनी हंसी आती है।
पूरी आपकी वीडियो यूं देखता हूं मैं। देख रहे कितनी हंसी आ रही है मेरे चेहरे पे, पसीना अलग निकल रहा है। इस इंसिडेंट के बाद एक बंदे ने अली भाई को मैसेज किया कि डियर अली भाई, जब गोश्त को आप ओपन प्लेस में रखोगे तो क्या होता है? तो अली भाई जवाब देते हैं, औरत इंसान है गोश्त नहीं, और मर्द भी इंसान है कुत्ता नहीं। तो आप कौन, गे? अली भाई आपके इस चूतिया से जवाब को लेके मुझे भी एक चूतिया सा जवाब आया, तो सुन लिएगा। सही है, अब एक स्कूल है, उस स्कूल में दहशतगर्द घुस जाते हैं, सही है, और वो ब्लास्ट कर देते हैं जिसकी वजह से लोग शहीद हो जाते हैं, सही है। उस सारी दुनिया जो है मजामत करने में लगी हुई है कि बहुत गलत हुआ, दहशतगर्दों ने बहुत गलत किया, बच्चे बच्चे मर गए, लोग मर गए, शहीद हो गए, सही है। उसमें से एक चूतिया निकल कर आता है जो कहता है, हाँ वो तो मरा मरा, लेकिन उसके साथ साथ ये बेचारा दहशतगर्द भी तो मरा। कोई सेंस है इस बात की? हमारे यहाँ के लोगों को ना सिर्फ एक ही मसला है, वो लंड से आगे बहुत भागते हैं, और यही होता है हमेशा। जिस बंदी को तुम लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्या हुआ, आप क्यों नहीं सपोर्ट दिखा रहे उसको? ये यासिर शामी, इकरारुल हसन, ये वो आ रहे थे सारे हीरो बन के, मेरी बहन, मेरी बहन, मैं तेरे को इंसाफ दिलाएगा, तेरा भाई जिंदा है। कहां गए वो सारे लोग, कहां गए वो सारे लोग? मुझसे सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वाकये पे मैं फौरन वीडियो दूंगा। मुझे पता चला और मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जब मेरे सुनने में आया कि लड़की टिकटॉक से है, मैंने बोला रहने दो, कुछ ना कुछ बकचोद होगी, रुक जाओ, अभी खुद सामने आ जाएगा। और वही हुआ, मैंने किया इंतजार और वही बकचोदी सामने आई कि ये सब कैश करने के लिए किया जा रहा है। खैर यार, वीडियो पहुंच रही है अपने अख्तिताम की तरफ, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये फेक हो या रियल हो, इनका बस एक दफा अली हैदराबादी काट दो, मैं सही बता रहा हूं, इनका हैदराबादी कटेगा, ये सब के सब सुधर जाएंगे। जाते जाते खैर मैं अपने दोनों सीनियर से माफी मांगना चाहूंगा। देखो यार, एक वक्त में मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा करने लगे हो आप लोग, बहुत ज्यादा करने लगे हो, तो ये चीजें बुरी लगती हैं यार, बहुत बुरी लगती है। पब्लिक नहीं बोल सकती, लेकिन पब्लिक के लिए मैं बोलूंगा, हजार दफा बोलूंगा, प्लीज यार, अली भाई से भी माजरत करता हूँ और यासिर शामी से भी माजरत करता हूँ। और इस पूरे चुतियाप से हमें क्या सीखने को मिलता है कि पहले तोलो फिर बोलो, अपना ख्याल रखो और खा लो पोलो।